स्नान पान और ध्यान तुम्हारा, गंगे हमको तारे, तेरे हम बलिहारे, तेरे हम बलिहारे, तेरे हम बलिहारे। मुर्शिद सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन द्वारा आप सभी लोगों को इस महान पर्व जो है गंगा स्नान के संदर्भ पर आपको ढेर सारा शुभकामनाएं और हार्दिक स्वागत करते हैं और प्रणाम सभी को। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं कविं कवीनां उपवश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रृण्वन्नूतिभिः सीद सादनम्। ओं गंगणपतये नमः। गणपतिं आवाहयामि स्थापयामि। ओं अम्बे अम्बिकें भालिके नमानयति कश्चन सहस्रशिशुवाकः। सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मा अम्बिकायै नमः। महागौरीं आवाहयामि स्थापयामि। भगवत्यै पृथिव्यै नमः। महीद्यौः पृथिवी च न इमं यमिं क्षतामापि प्रेतान्नो भरीमभिः। भगवत्यै पृथिव्यै नमः। पृथिवीं ध्यायामि ध्यानार्थे क्षतान् समर्पयामि। आवाहनार्थे क्षतान् समर्पयामि। ओंकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारं आवाहयामि स्थापयामि। हरिः ओं ततश्च अस्मिन् कलशे। ओं आजग्रह कलशं मज्जात्वा विशन्तिं दवः। पुनरूर्जा निवृत्त स्वसानः। सहस्रं दुःखोरुधारा पयस्वति। पुनर्माविशताद्रयीहि वरुणस्योत्तम भनमसि वरुणस्य स्तम्भसर्जनीस्तो वरुणसेरितसदन्यसि वरुणसेरितसदनमासीद। ओम अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकं आवाहयामि स्थापयामि। तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्ते यजमानो हविर्भिः। अहिरमानो वरुणे अबोध्युरुषग्म समान आयुः प्रमोखीः। भो वरुण अस्मिन् कलशे सांगः सपरिवारः सायुधः सशक्तिकः सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। हरिः ओम मा। अब यहाँ पर गौरी आदि 16 माताओं का हम आवाहन करते हैं। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वदा स्वाहा मातरो लोकमातरः। हृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवता। गणेशेनाधिकायेता वृद्धौ पूज्यास्तु षोडश। गौर्यादि षोडश मात्री ही आवाहयामि स्थापयामि। श्रीर्लक्ष्मीर्धृतिर्मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती। मंगल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृतमातरः। श्रियादि सप्तघृतमात्री ही आवाहयामि स्थापयामि। वास्तु महाराज का हम आह्वान करेंगे। हमारे घरों में जो वस्तुएं रखी हैं हमारे लिए शुभ प्रद हों, लाभप्रद हों, वास्तु का हम पूजन करते हैं। यहाँ पे वास्तु महाराज का आह्वान करते हैं। ओम नमो वात्याय च रेख्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च वास्तु पुरुषाय नमः। वास्तु पुरुषम आवाहयामि स्थापयामि। नागराज देवता का आह्वान करते हैं जो पृथ्वी को धारण करते हैं शेष भगवान, उनका हम आह्वान करते हैं। कूर्म का अनंत का इनका पूजन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनु जे अंतरिक्षे जे दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। नागराजाय नमः। कूर्माय नमः। पृथिव्यै नमः। धारशक्तये नमः। हरि ओम माँ क्षेत्रपाल देवता का हम आह्वान करते हैं जो हमारी भूमि भवन और वाहन की रक्षा करते हैं। उन देवता का हम पूजन करते हैं, उनको बुलाते हैं। ओम माँ नहिस्पशमाविदन्नन्यमस्माद् वैश्वानरात्पुरैतारमग्नेः एमे नम वृधन्नमृत्यामृत्यं वैश्वानरं क्षैत्रजित्याय देवाः। क्षं क्षेत्रपालाय नमः। क्षेत्रपालम् आवाहयामि स्थापयामि।
अब ये नवग्रह की जो ध्वजाएं हैं आप देख रहे होंगे, तो यहाँ बीच में जो है लाल वाली जो ध्वजा है उधर, इसमें चावल भी हैं लाल वाले पड़े हुए, तो उसमें भगवान सूर्य नारायण का आवाहन करते हैं। सूर्य शासन का, प्रशासन का स्वामी है भगवान सूर्य नारायण, हमें सदैव उच्च पदवी प्रदान करें, हमें शासन प्रशासन से लाभ की प्राप्ति हो, और पिता का सुख प्राप्त होता है जो सूर्य का पूजन करते हैं। पिता का सुख और पिता को यश मान सम्मान जीवन में, जो पिता की सेवा करते हैं उनको जो है मान सम्मान सूर्य की कृपा से प्राप्त होता है। तो सूर्य भगवान का हम आवाहन करते हैं। ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। ओम सूर्याय नमः, सूर्यं आवाहयामि स्थापयामि। अब चंद्रमा की सफ़ेद ध्वजा जो है चंद्रमा की है, चंद्रमा से जो है जो माता की सेवा करते हैं, माता को प्रसन्न रखते हैं, उनका चंद्रमा अच्छा होता है, उनको उच्च पदवी प्राप्त होती है, मानसिक जो है बौद्धिक बल बढ़ता है, मानसिक बल बढ़ता है। चंद्रमा महाराज का हम पूजन आवाहन करते हैं। ओम मा इमं देवा सपत्नगो सोध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठ्याय महते जानराज्याय इंद्रसेन्द्रियाय इमं मुख्यपुत्रं मुख्यपुत्रमसि विषये खवोमि राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा चं चंद्रमसे नमः। मंगल महाराज का हम आह्वान करते हैं, इससे भाइयों को जो स्नेह रखते हैं, भाई प्रेम से रहते हैं आपस में, उनका मंगल प्रसन्न होता है, हनुमान जी महाराज भी खुश होते हैं, भूमि के पुत्र हैं, भूमि भवन वाहन का सुख उनको प्राप्त होता है। हम मंगल महाराज को साहस और पराक्रम के लिए, उत्साह के लिए, निरोगिता के लिए मंगल महाराज का आवाहन करते हैं। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः कपुत्पति पृथिव्यायम पाग्मुरेता गुंसी जिन्वती। ओम भौमाय नमः, लाल वाली ध्वजा भौम की है, भौमाय नमः भौमम आवाहयामि स्थापयामि। अब हरि वाली ध्वजा जो है बुध महाराज की है, बुध का हम आवाहन करते हैं, जो चाचाओं का सम्मान करते हैं, चाचा चाची का सम्मान करते हैं, तो उनका बुध व्यापार अच्छा होता है, वाणी और वाणिज्य जो है अच्छा होता है, इसलिए सदैव ग्रहों के उपाय भी मनुष्यों में ही हमें व्याप्त हैं, विद्यमान हैं, इसलिए बुध महाराज का आह्वान करते हैं। ओम उद्बुध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रहित्वामिष्टा पूर्ते सग्गुं सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। ओम बुधाय नमः, बुधम आवाहयामि स्थापयामि। अब बृहस्पति की पीली ध्वजा है, उत्तर में बृहस्पति महाराज हैं, ये पुरोहित के प्रतीक होते हैं, अपने बड़े आचार्य विद्वान जनों का सम्मान से बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, बृहस्पति से ज्ञान संतान शिक्षा ऐश्वर्य बढ़ता है, तो बृहस्पति महाराज का हम आवाहन करते हैं। ओम मां बृहस्पते अति अदर्जो अर्हा द्युमद विभाति क्रतुमज्जने कूजद्दी दायच्छवस हरित प्रजात तदस्मा सुद्रविणं देहि चित्रं मां ब्रिं बृहस्पतये नमः बृहस्पतिम आवाहयामि स्थापयामि। अब शुक्र महाराज का हम पूजन आवाहन करते हैं, जो महिलाओं का कारक होता है शुक्र ग्रह, जो महिलाओं का सम्मान करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, तो शुक्र महाराज का हम आवाहन करते हैं। ओम मा अन्नात् परिश्रुतो रसम ब्रह्मणाभ्यपि वक्षत्रं पयः सोमं प्रजापतिहि रितेन स्त्यम इंद्रियं विपानगो शुक्रमंदस इंद्रसेन्द्रियमिदं पयोमृतं मधोम शुक्राय नमः शुक्रं आवाहयामि स्थापयामि। अब शनि महाराज की जो काली ध्वजा है, ये शनि महाराज की बीच में, और ओम मा शन्नो देवी रविष्ठयापो भवन्तु पीतये शंजो रविस्रवन्तु नाः। जो दीन दुखियों की सेवा करते हैं शनि महाराज उससे प्रसन्न होते हैं, सबसे अच्छी बात यह है, जो है लूला लंगड़ा काणे भेड़े ये जो लोग होते हैं इनका सम्मान और इनका सहयोग करने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। शनि महाराज का हम आवाहन करते हैं, हमारे जीवन के जो दुख हैं कष्ट हैं उनको दूर करें और सुख शांति का हमारे जीवन में संचार करें। ओम शम शनैश्चराय नमः शनैश्चरम आवाहयामि स्थापयामि। अब राहु महाराज का हम आह्वान करते हैं, राहु ने अमृत पान किया, उनके साथी जितने दैत्य थे उन्होंने मदिरा पान करके वो लुढ़कते रहे, लेकिन राहु ने अमृत पान करके लक्ष्य की प्राप्ति, जिसका राहु अच्छा होता है जन्म कुंडली में तो उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तो राहु महाराज चौमुखी बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, चतुराई को देने वाले राहु महाराज हैं, तो राहु को हम स्मरण करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, हमारे जीवन में हमें कुशलता की प्राप्ति हो। ओम मा काया नक्षत्र आभू अदूती सदा वृदा सखा कया सशिष्ठया वृताम रांग राहवे नमः। ये काली वाली ध्वजा,
राहुम आवाहयामी स्थापयामी, लास्ट वाली जो केतु की काली ध्वजा है, केतु महाराज का हम आवाहन करते हैं, हमें सर्वत्र यश और विजय की प्राप्ति हो। ध्वजा है ना, ध्वजा मतलब यश विजय की ध्वजा पताका है, तो केतु महाराज हमें सदैव यश मान सम्मान और विजय प्रदान करावें। ओम केतु कृण्वन्न केतवे पेशो मर्जा अपेशसे समुख द्विरजा यथा ओम केम केतवे नमः केतुम आवाहयामि स्थापयामि। अब इनके अधिदेवता हैं भगवान शंकर मृत्युंजय, नौ देवता उनका हम आवाहन करते हैं। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मा उर्वारुकम् इव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शिव शिव गुहो विष्णु ब्रह्मेन्द्रियम कालकाः चित्रगुप्तोथ भानवादेर दक्षिणे चाधिदेवादिदेवताः आवाहयामि स्थापयामि। इनके ऊपर भी प्रत्यधि देवता हैं, अग्नि आदि देवता हैं, उनका हम आवाहन करते हैं। अग्नि रापो धरा विष्णु शक्रेन्द्राणी पितामहाः पन्नगार्का क्रमाद्वामे ग्रह प्रत्यधि देवताभ्यो नमः। प्रत्यधि देवताः आवाहयामि स्थापयामि। अब पंचलोकपाल देवताओं का हम आवाहन करते हैं, जो गणेश अंबिका वायु आकाश अश्विनी कुमार के रूप में, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ कोई अन्याय न करे, हम भी न्याय के मार्ग से वृद्धि और समृद्धि को प्राप्त हों, इसलिए पंचलोकपाल देवताओं का। गणेशश्चाम्बिका वायुराकाशश्चाश्विनो तथा ग्रहाणाम उत्तरे पंचलोकपाला प्रकीर्तिताः पंचलोकपाल देवताः आवाहयामि स्थापयामि। इंद्रादि दश दिक्पाल देवताः आवाहयामि स्थापयामि। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्त प्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्या प्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनित्यमेव। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्। नमामि गंगे तव पादपंकजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुकूलेन सदा नराणां। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारे स्त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सूर्यः शौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलम् केतुः कुलस्योन्नतिं
नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूलाग्रहाः आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनं शंभो तवाराधनं अवाहित भूर्भुवः स्वः गणपत्यादि गंगा पर्यंत सागर पर्यंत कलशी वरुणाद्यावाहित देवताः गौर्यादि षोडश मातरः श्रीयादि सप्तकृत मातरः वास्तु नागराज क्षेत्रपाल योगिन्यादि नवग्रह देवता अधिदेवता प्रत्यय देवता पंचलोकपाल दश दिक्पाल सहितेभ्यो नमः मंत्र प्रार्थनांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। हाथ में जल ले लेंगे अर्पणम्। अनेन कृत अवाहनासन पाद्यार्घाचमनीय स्नान वस्त्रोपवीत गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फलतांबूल दक्षिणा प्रदक्षिणा मंत्र पुष्प नमस्कार रूपैः षोडशोपचारैः यथा ज्ञानेन यथा लब्धोपचार द्रव्यैः कृतार्चनेन कार्तिक स्नान देवताः पीठस्थ गणपत्यादि देवताः अनंत पर्यन्ताः प्रियंताम नमः प्रसन्ना वरदा भवन्तु। अब अपनी उंगली से ए लिख करके ऐसे माथे से टीका लगा दें। ओम शक्राय नमः इंद्राय नमः। जो हमने पूजा की इसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। इंद्र देवता के लिए यह नमस्कार किया जाता है। ओम इंद्राय नमः। बोले इंद्र महा इंद्रदेव भगवान की जय। तो अब यहाँ से पूजा का कार्य संपन्न हुआ और यह कार्तिक स्नान का पुण्य जो पूजन सभी देवताओं का हमने गणेश अंबिका महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती कलश में वरुणादि देवता सागर देवताओं का और गौरियादि सोलह माता श्रीयादि सप्तकृत मातृका वास्तु नागराज क्षेत्रपाल योगिनी नवग्रह अधिदेवता प्रत्यधि देवता पंचलोकपाल दश दिक्पाल देवताओं का पूजन किया गंगा माता का पूजन किया सागर आदि देवताओं का पूजन किया कि हमारा यह जो कार्तिक स्नान का जो ये यज्ञ है यह संपन्न हो हम लोग तन मन धन सब प्रकार से पवित्र हों और हम इस प्रकाशोत्सव पर इस कार्तिक स्नान के द्वारा हमारी तन मन और आत्मा भी पवित्र हो हमारे पितरादि देवताओं को पितृदेवताओं को दिव्य लोकों में स्थान प्राप्त हो उनकी मुक्ति हो इसलिए गंगा माई से प्रार्थना करते हैं। अब हम यज्ञ करेंगे इन्हीं देवताओं के निमित्त हम आहुति प्रदान करेंगे कि हमारे यह कार्य सफल हो। बोले गंगा मैया की जय। कार्तिकेय जी महाराज की जय। कार्तिक पूर्णिमा की जय। गुरु नानक देव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जातिभुवनानि पश्यन्नाम सूर्याय स्वाहा। ओम इमं देवास पतनकों सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठ्याय महते जानराजाय इंद्रसेन्द्रियाय इमा ममुख्या पुत्र ममुखे पुत्रमसे विष एकवोमि राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाग्मु राजां चं चंद्रमसे स्वाहा। ओम अग्निर्मूर्धादिवः प्रकृतपतिः पृथिव्या अयं मा अपागुरेतागुंसि जिन्वति। ओम भौमाय स्वाहा। ओम उद्बुद्धिस्वाग्ने प्रतिजाग्रहीत्वमिष्टापूर्ते सगुं सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अध्युतारस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। ओम बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पते अति आदर्जो अर्हादिमद्विभाति क्रतुमज्जनेघु
जद्दी दाय छवास अरित प्रजाता तस्मासु द्रविणं देहि चित्रम्बा ओं ब्रीं बृहस्पतये स्वाहा। ओम अन्नात् परिसृतो रसं ब्रह्मणाभ्यपिवत्क्षत्रं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग्मो शुक्रमं दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधुं शुक्राय स्वाहा। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शंजो रविस्रवन्तु नः ओम शं शनैश्चराय स्वाहा। ओम कया नक्षत्र आभवदूती सदा वृधा सखा कया सचिष्ठया वृता ओं रांग राहवे स्वाहा। ओम केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्जा अपेशसे समुखद्विरजा यथा ओं केम केतवे स्वाहा। अनेन होमेन नवग्रह प्रियंतां नमः अतिदेवताओं के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। शिव शिव गुहो विष्णु ब्रह्मेन्द्र यमकालकाः चित्रगुप्तोऽथ भानुवादे दक्षिणे चादिदेवताः अधिदेवताभ्यः स्वाहा। ओम अग्निरापोधरा विष्णु शक्रेन्द्राणी पितामहाः पन्नगार्काक्रमाद्वामे ग्रह प्रत्यधिदेवताः प्रत्यधिदेवताभ्यः स्वाहा। ओम गणेशश्चाम्बिका वायुराकाशश्चाश्विनो तथा ग्रहाणामुत्तरे पंचलोकपाला प्रकीर्तिताः पंचलोकपाल देवताभ्यः स्वाहा। ओम त्रातारमिन्द्रम वितारमिन्द्रगुं हवे हवे सुहवगुं शूरमिन्द्रम वयामि शक्रम पुरुहूतमिन्द्रगुस्वस्तिनो मघवाधात्विन्द्रः इन्द्रादि दश दिक्पाल देवताभ्यः स्वाहा। अब हमने ओंकार का जो आह्वान किया उनके लिए आवाहित चौकी में जो देवता हैं पीठ में आवाहित देवताओं के लिए होम। ओम काराय स्वाहा। ओम कलशी वरुण सागर महाराज के लिए हिंदू महासागर ये जो सप्त सागर हैं उनके लिए आहुति सागरों के जो देवता हैं वरुण देवता उनके लिए आहुति देते हैं। तत्वा जामि ब्रह्मणा बंदमान सदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहे दमानो वरुणे हवो द्युर्शकुं समान आयुः प्रमोखीः। ओम वरुणाय स्वाहा। हरि ओम मां गौर्यादि षोडश मातृभ्यः स्वाहा। ओम श्रीयादि सप्तघृत मातृभ्यः स्वाहा। ओम जोगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये दिव्यादि चतुष्षष्टि योगिनी मातृकाभ्यः स्वाहा। हरि ओम मां वास्तु महाराज के लिए आहुति देते हैं हमारे घरों में सब प्रकार से सुख शांति की वृद्धि हो। वास्तु पुरुष देवेश सर्व विघ्न हरो भव शांतिम कुरु सुखम देहि सर्वान कामान प्रयच्छ मे नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च वास्तु पुरुषाय स्वाहा। वास्तु पुरुष देवेश सर्व विघ्न हरो भव शांतिम कुरु सुखम देहि सर्वान कामान प्रयच्छ मे स्वाहा। नागराज देवता के लिए आहुति शेष नाग भगवान के लिए अनंत महाराज के लिए इन्होंने पृथ्वी को धारण किया हुआ है माता पृथ्वी को कूर्म महाराज के लिए कूर्मावतार में भगवान ने जो इसकी रक्षा की थी। तो शेष नाग भगवान जब थक जाते हैं तो कूर्म के ऊपर अपना फण रख देते हैं इसलिए कूर्माय स्वाहा अनंताय स्वाहा भूम्यै स्वाहा। अब क्षेत्रपाल देवता के लिए ओम मान स्पर्शम विदन्यमस्मा वैश्वानरात्पुरमग्ने नवृदन्नावृत्या मृत्यम वैश्वानरं क्षेत्र जितियाय देवा। क्षेत्रपाल भगवान हमारी भूमि भवन और वाहन की सर्वदा रक्षा करें। ओम क्षं क्षेत्रपालाय स्वाहा। हरि ओम माँ गंगादि नदियों के लिए गंगा माता के लिए आहुति देंगे। हरि ओम माँ पंच नदियः सरस्वतीमपियन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पंचधासु देशे भवत्सरिता गंगादी नदीभ्यः स्वाहा सप्तसागरेभ्यः स्वाहा। ओम माँ कुलदेवताभ्यः स्वाहा ग्रामदेवताभ्यः स्वाहा स्थानदेवताभ्यः स्वाहा मंगल महादेवाय स्वाहा शक्त्यै स्वाहा।
गंगा सरोवर, गंगा तालाब ही गंगा सरोवर है, गंगा सरोवराय स्वाहा। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे स्वाहा। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। हरि ओं मा नमो देवी महादेव्ये शिवाय सततन्नमः। नमः प्रकृते भद्राये नियता प्रणता स्मतां स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्छे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्छे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्छे स्वाहा। अब माँ लक्ष्मी के लिए ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियं महालक्ष्म्यै स्वाहा। माँ सरस्वती के लिए हमारे बच्चों में विद्या बुद्धि का विकास हो, तो इसके लिए एक मंत्र है, मैं पहले बोलता हूँ, आप साथ में दोहराएंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुधजनन्यै स्वाहा। 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 महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीभ्यः स्वाहा। कुलदेवताभ्यः स्वाहा। स्थान देवताभ्यः स्वाहा। भगवान से प्रार्थना करेंगे। आज कार्तिकी पूर्णिमा, कार्तिक जी महाराज को भी आज विजय प्राप्त हुआ, त्रिपुरोत्सव भी आज मनाते हैं और गुरु नानक जयंती भी है, गंगा स्नान का आज समाप्ति दिवस है। तो माँ भगवती गंगा से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पितरों को और हमारे जन्म जन्मांतरीय जो पाप ताप संताप हैं उनको आप दूर करती हुई हे गंगा माई हमारे सब पुण्य उदय हों और पापों का क्षय हो। पुण्य का उदय, पाप का क्षय हो, पुण्य का संचय हो, आप ऐसी कृपा करें, गंगा माई से प्रार्थना करते हैं। और हिंद महासागर सागर गंगा सागर भगवान से वरुण देवता से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा यह कार्तिक स्नान कार्तिक जो यज्ञ यह संपन्न होने जा रहा है, आप हमें रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रदान करें। हमारी जो मनोकामनाएं हैं मनोभीष्ट कामना है उनको आप पूर्ण करें। यज्जलस्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवं याता केवलं देह भस्म भी। जिन गंगा माई की कृपा से कपिल मुनि के ब्रह्म शाप से जो 60,000 पुरुष जल करके भस्म हो गए थे, तो केवल भस्म मात्र के द्वारा गंगा माता का जल स्पर्श होने से वे दिव्य लोकों को प्राप्त हो गए। तो उन गंगा माता से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पितृ देवताओं को हमारे जो जीवन में पाप ताप हैं उनको नष्ट करके पितृ देवताओं को दिव्य लोकों की प्राप्ति हो। इस यज्ञ से हमारी मनोकामना, जैसे हम पूर्णाहुति कर रहे हैं यज्ञ की, तो हमारी कामना को आप पूर्ण करें। ओम पूर्णादर्भि परापता सुपूर्णा पुनरापता वसने वविक्रीणा वहा इखमूर्जगुं शातक्रतो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वं वै पूर्णाहुतिं जुहोति स्वाहा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओम ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमः।
नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुकूलेन सदा नराणाम् अवाहित समस्त देवताभ्यो नमः महानीराजनं गंगादेव्यै नमः सप्तसागरेभ्यो नमः अवाहित देवताभ्यो नमः ततश्च जलेन शीतलीकरणं तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मता आपः स प्रजापतिः महानीराजनं देवताभ्यो निवेदयामि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीर्थजम्भो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्ता प्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्या प्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भवनित्यमेव त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वाप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद नमामि गंगे तव पादपंकजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुकूलेन सदा नराणां गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्र तनया चर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णैः पूर्णजलैः समुद्रसहिता कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् मङ्गलम् भगवान् विष्णुर्मङ्गलम् गरुडध्वजः मङ्गलम् पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः मङ्गलम् भगवान् शम्भुः मङ्गलम् वृषभध्वजः मङ्गलम् पार्वतीनाथो मङ्गलायतनः शिवः
नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वर। गणपत्यादि गंगा सागर पर्यंत समस्त देवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन के द्वारा समायोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर दिल्ली एवं उत्तराखंड भारत से ICCR के माध्यम से मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ आप सब लोगों के लिए। कार्तिक स्नान, जो यह गंगा स्नान का पुण्य पर्व है, यह सभी लोगों के लिए आनंद मंगलप्रद हो। सबके घर में, परिवार में सुख शांति ऐश्वर्य वृद्धि और समृद्धि हो। गंगा माँ की कृपा से आपके जो पितृ देवता हैं उनको दिव्याति दिव्य लोकों में अनंत आनंद प्राप्त हो, ऐसा भगवान नारायण की कृपा से, माता गंगा की कृपा से, भगवान शिव जी की कृपा से यह आशीर्वाद आप लोगों के लिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथाः, शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां उदयस्तव। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तेरी सेवा विघ्न हरे,
जय गणपति जय गणेश तेरी सेवा विघ्न हरे 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 जय गणेश जय गणेश जय 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 गणेश जय गणेश जय गणेश जय 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 गणेश गणपति जय गणेश तेरी सेवा विघ्न हरे जय गणपति जय गणेश तेरी सेवा विघ्न हरे तीनों लोगों का तू स्वामी तेरे दर्शन सार खरा तीनों लोगों का तुम स्वामी तेरे दर्शन सार खरा तीनों लोगों का तू स्वामी तेरे दर्शन सार खरा तीनों लोगों का तुम स्वामी तेरे दर्शन सार खरा रिद्धि सिद्धि के दायक प्रभु जी तूने सबका उसका बेरा पार हुआ तेरे दर जो आए सदा उसका बेरा पार हुआ उसका बेरा पार हुआ जय गणपति जय गणेश तेरी सेवा विघ्न हरे जय गणपति जय गणेश तेरी सेवा विघ्न हरे जय गणेश जय गणेश जय 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 एक दंत गज बदन कहाय मोदक भोग लगाए 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 सब देवी देवों से पहले भक्त तुझे ध्याए सब देवी देवों से पहले भक्त तुझे ध्याए सब देवी देवों से पहले भक्त तुझे ध्याए ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरा नाम धरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरा नाम धरे तेरा नाम धरे जय गणपति जय गणेश तेरी सेवा
भौरी नंदन लंबोदर है मूषक पर सवारे माथे चंद्यन मोतियन माला हस्त हस्त धरे माथे चंद्यन मोतियन माला हस्त हस्त धरे जिसने जो भी चाहा तुझसे तूने उसका जोड़ी भरा जिसने जो भी चाहा तुझसे तूने उसका जोड़ी भरा तूने उसका जोड़ी भरा जय गणपति तू ही शक्ति तू ही
गजाननं बुद्धगणादि सेवितं तुमासुतं शोक विनाशकारकं मंगलं शाप से